नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल हमारा बिहार में। आज 24 जुलाई 2019 से और 24 जुलाई 2019 से जितने ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF भी मिलेगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और सेट प्रैक्टिस करना ना भूले। अभी तक मैंने 8 सेट अपलोड कर दिया है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स जो बिहार से जुड़े हुए हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पर गजराज नामक ट्रेन का शक्तिशाली इंजन बनाया गया है। तो दोस्तों, ये बनाया गया है सारण जिले में। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आप फोटो देख सकते हैं, यही वो इंजन है और यह डीजल इंजन है। सारण जिला के मढ़ौरा में स्थित डीजल रेल इंजन कारखाना में तैयार किया गया है। और डीजल इंजन में 6000 हर्स पावर का यह पहला इंजन है और पूरी तरह से वातानुकूलित है तथा सामान्य से 40% कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा यह इंजन, ठीक है। अब नाम आया है सारण जिला का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं सारण जिला कहाँ पे है। ये रहा बिहार का मैप, देखिए यहाँ पे है आपका सारण जिला। सारण जिला का सीमा किस किस जिला से सट रहा है, तो देखिए सिवान है और गोपालगंज से सटता है, ठीक है। और ये इधर जो देख रहे हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली और ये सारण, तो इसके बीच में गंडक नदी बहती है जो कि पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है, ठीक है। और नीचे के तरफ भोजपुर, पटना और सारण के बीच गंगा नदी और घाघरा नदी बहती है, ठीक है। और घाघरा नदी, ये गंगा नदी बिहार में बक्सर के पास से प्रवेश करती है और घाघरा नदी सिवान के पास से प्रवेश करती है। चलिए देखते हैं इसको बिहार के भौगोलिक मैप में। देखिए ये आ गया बिहार का भौगोलिक मैप। देखिए यहाँ पर सारण है, सारण के ऊपर में देखें तो ये जो नदी आ रही है ये गंडक नदी है, ठीक है। और नीचे के तरफ देखें तो ये गंगा नदी हो गई जो कि बक्सर के पास से प्रवेश कर रही है, और ऊपर के तरफ से ये जो आ रही है ये घाघरा नदी है, ठीक है, जो सिवान के पास से प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो नाम आया है सारण जिला का, तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। सारण प्रमंडल है, सारण जिला का प्रमंडल सारण ही हो गया। मुख्यालय इसका छपरा है। क्षेत्रफल हो गया 2641 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 65.96%। जनसंख्या घनत्व हो गया 1496 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात है 954 महिला प्रति 1000 पुरुष। प्रमुख फसल हो गया धान, गेहूं, गन्ना। प्रमुख नदी हो गया गंगा, घाघरा और गंडक। और ये चिरान जो जिसको छपरा को जो बोला जाता था पुराने ज़माने में चिरान, और वैशाली को चेचर बोला जाता था। तो चिरांद और चेचर के उत्खनन में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में घुमंतू खानाबदोश कुरीरियाड महासंघ का 5 दिवसीय सम्मेलन सहजन अदालत में भाग लेने के लिए करोड़ी समाज के करीब 25,000 लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये आए हुए हैं समस्तीपुर जिला में, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और अभी तक इन्होंने 19 जिलों में ये लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब नाम आया है समस्तीपुर ज़िला का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं समस्तीपुर कहाँ पे है, ठीक है। ये रहा बिहार का मैप और ये रहा आपका समस्तीपुर ज़िला। देखिए समस्तीपुर का सीमा किस किस ज़िला से सटा हुआ है, तो देखिए वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, खगड़िया है, ठीक है, और बेगूसराय है। और समस्तीपुर और ये जो नीचे पटना है तो इस दोनों के बीच में गंगा नदी बहती है, ठीक है। अब नाम आया है समस्तीपुर का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं, ये समस्तीपुर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। ये समस्तीपुर जिला का जो क्षेत्रफल है 2904 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर हो गया इसका 61.86%। जनसंख्या घनत्व 1476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात हो गया 911 महिला प्रति 1000 पुरुष। प्रमुख नदी बूढ़ी गंडक, कोसी और बलान है। प्रमुख उद्योग चीनी, जूट और कागज उद्योग है। और समस्तीपुर जिला जो है शहरीकरण में सबसे कम वृद्धि वाला जिला समस्तीपुर है। एक तरह से देखा जाए तो समस्तीपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय पर्यटन विभाग के द्वारा पूर्वी भारत में B2B रोड शो का आयोजन 30 जुलाई को कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है बोधगया में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हम नाम आया है बोधगया का, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। बोधगया जो है ये फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसको ये फल्गु नदी जो है इसको निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। बोधगया को उर्वेला के नाम से भी जाना जाता है। 500 ईसा पूर्व में बोधगया में वट वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और बोधगया के महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। बोधगया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, और बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाले शासक कौन थे? तो शशांक थे। और कनिंघम ने बोधगया में बोधगया मंदिर को खोजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नई पेंशन योजना में सरकार अब कितना अंशदान करेगी? तो नई पेंशन योजना में बिहार सरकार अब 14% का अंशदान करेगी, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किसान उत्पादक संगठन बनाने पर कितना अनुदान देने का प्रावधान किया है? तो किसान उत्पादक संगठन बनाने पर बिहार सरकार ने 10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश के कितने राज्यों के राज्यपाल बिहार के निवासी हैं? तो वर्तमान में देश के 4 राज्यों के राज्यपाल बिहार के निवासी हैं। ठीक है, इसके साथ ही देश में 7 राज्यों के राज्यपाल उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से देश में सर्वाधिक राज्यपाल है अभी, और नरेंद्र मोदी के सरकार में सर्वाधिक महिला राज्यपाल की तैनाती हुई है, और वर्तमान में अभी कुल 5 महिला राज्यपाल हैं देश में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पर इंसेक्ट म्यूजियम खोलने को मंजूरी मिला है? तो दोस्तों ये खोला जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रेन हार्वेस्टिंग के लिए कितने यूनिट के निर्माण को मंजूरी मिला है? तो रेन हार्वेस्टिंग के 7490 यूनिट के निर्माण को मंजूरी मिला है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मधुबनी जिले में आसमान से गिरे पत्थर को किस संग्रहालय में रखा जाएगा? तो बिहार संग्रहालय में रखा जाएगा, जो कि पटना में है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2019-20 के अनुसार PMCH में 20 स्तरीय अस्पताल बनाने के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है? तो 5,540 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, PMCH में 20 स्तरीय अस्पताल बनाने के लिए, तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया है, और यह राशि 2019-20 में पास हुआ है, 2019-20 के बजट में पास हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2019-20 में सब्जी प्रसंस्करण के लिए कितने राशि की स्वीकृति दी गई है? तो सब्जी प्रसंस्करण के लिए, ठीक है, 1,750 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी गई है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स, चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन था, बिहार के किस जिले में कैंसर व एड्स की दवा बनाने की फैक्ट्री के निर्माण की योजना बनाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर पूर्वी चंपारण होगा, ए ऑप्शन सही हो गया। और दूसरा क्वेश्चन था कल का, बिहार के कितने जिले में भूमि सर्वेक्षण शिविर लगाया जाएगा? तो बिहार के 14 जिले में लगाया जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। आज का क्वेश्चन है, इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? और दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में दूध पियो शराब छोड़ो अभियान कब से शुरू किया गया है? ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।